हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। आज के वीडियो में देखेंगे एक बार फिर से नया ब्लाउज का डिज़ाइन किस तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गले की कटिंग देखेंगे। ऊपर जो निशान हमें लगाना है वो 2.25 इंच पर लगेगा। ये इस तरह से पहला निशान हम 2.25 इंच पर यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद ये जो निशान हमें गले की गहराई का लगाना है ये हम लेंगे 11 इंच, ये इस तरह से। और फिर यहाँ पर चौड़ाई जो लेनी है वो लेंगे 3.5। तो ये 3 निशान लगाने हैं। इसके बाद तीनों निशानों को स्केल से मिला लेना है। ये तीनों निशान आप इस प्रकार से इसको मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर देंगे मटके गले का शेप। तो ये किस तरीके से होगा, ये देखिए गोल गले का शेप ही रहता है नीचे, लेकिन ऊपर यहाँ पर चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस क्या है, ये इस प्रकार से थोड़ा सा अंदर की तरफ आता है, फिर यहाँ से ये इस तरह से हल्का सा बाहर निकल करके जॉइंट होता है, ये देखिए ऐसे। तो ये बनता है हमारा मटके गले का शेप। अब एक और निशान देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम 1.25 इंच की दूरी से ये पूरा निशान हम यहाँ पर लगाते चले जाएंगे। यही डिज़ाइन के लिए मार्किंग है। तो ये 1.25 इंच की दूरी से इस निशान को लगाना है। इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि क्लियरली ये दिखे आप लोगों को, ये इस प्रकार से। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे कटिंग। जो अभी हमने डार्क लाइन किया 1.25 इंच का लगा करके उस पर कटिंग करना है और ये काट करके पूरा निकाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये जो बैक साइड वाला पार्ट है ना, इसको हम किनारे किनारे चिपकाएंगे गले की साइड, क्योंकि हमने अभी कटिंग किया, अस्तर और कपड़ा दोनों अलग अलग हो जाता है इससे। तो यहाँ पर हम इसको चिपका लेंगे, ये इस प्रकार से। अगर आपने पहले से इसमें सिलाई नहीं किया तो चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लें गले की कटिंग करने के बाद। तो ये पूरा सिलाई कर लेना है। सिलाई के बाद यहाँ पर देखते हैं, हम एक उरेब पट्टी कटिंग करेंगे। ये जो पट्टी है 1 इंच का काटना है उरेब में। उसके बाद ये इसको इस प्रकार से सिलाई करना है, दोनों को मोड़ करके, बीच से मोड़ करके हमने इसको सिलाई किया। और उसके बाद इसको पलटा लेना है। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पट्टी की हमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे से इसको पैक करें और उसके बाद इसको पलटा लें। और इसको पलटाने के बाद प्रेस भी लगाना है, तो वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसमें प्रेस लगाएंगे। ये देखिए, ये आसानी से पलट जाता है, कॉटन का कपड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये इस प्रकार से हमने इसको पलटाया और पलटाने के बाद ये जो जॉइंट है इसको बीच में रखना है, ये ऐसे। ये जॉइंट को अंदर की तरफ यहाँ पर रख के हम इसमें प्रेस चला देंगे, तो जॉइंट वाला हिस्सा हमारा उल्टा साइड हो जाएगा और जो प्लेन हिस्सा है नीचे की तरफ वो हमारा सीधा साइड होगा। तो ये एक लेस की तरह बन जाता है, इसी हम उरे पट्टी बोलते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। तो इसमें प्रेस लगाने के बाद देखिए, हम इन्हें छोटे छोटे पीस में कटिंग करेंगे। अब ये छोटा पीस मतलब साइज इसका होगा 2 इंच का, तो 2 इंच की साइज में आप इसको कटिंग कर सकते हैं। ये इस तरीके से जितनी भी पट्टियाँ आपने बनाई हैं पूरा इसी प्रकार से छोटा छोटा पीस करके काट लें। ये देखिए, अब अभी इन्हें हम साइड करते हैं, एक एक करके फिट करेंगे। तो ये हमें लगाना है गले पर, ये इस तरीके से देखिए, एक एक करके सभी को फिट कर लेना है। पूरे गले पर लगेगा, इसका मतलब इसमें आपको टाइम भी लगेगा। थोड़ा सा सावधानी इस बात का रखना है कि किनारे किनारे इसको फिट करना है और थोड़ा थोड़ा गैप में फिट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटा करके फिट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पट्टियाँ लगेंगी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा गैप छोड़ करके ही फिट करें तो ज़्यादा अच्छा। ये इसी तरीके से आप इन्हें फिट करेंगे पूरे गले पर।
तो ये देखिए, एक के बाद एक हम इसे फिट करते ही जा रहे हैं। पूरा इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग इसे फिट करें इसी तरीके से। और अगर आपने अभी तक हमारी नई चैनल आरडी बुटीक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर अब कम्प्लीट होता है इन पट्टियों को लगाने का काम। इसके बाद हम एक न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे। तो न्यूज़पेपर का यूज़ करने से पहले यहाँ पर देखिए, इसको इस तरीके से पलटा करके यह सब पलटाना है सभी को। और पलटाने के बाद ये हम ऊपर में एक सिलाई लगाएंगे, कपड़े के ऊपर में लगाना है सिलाई, पट्टियों के ऊपर नहीं लगाना है। लेकिन ये देखिए, ये इस प्रकार से पलटा करके आप सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमें पूरे गले पर लगाना है। और इस सिलाई लगाने के बाद हम न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक न्यूज़पेपर का यूज़ किया है यहाँ पर। और ये वाला जो पीस है बैक साइड का, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। अब ध्यान इसमें इस बात का रखना है कि गले की जो गैपिंग है उसको यहाँ पर इंची टेप से नाप करके रखेंगे। ये निशान यहाँ पर 1 इंच का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 4.5। ये 4.5 इंच, 2.25 पे हमने गले का कटिंग किया है। तो ये इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर 1 इंच का फिर से निशान, ये देखिए। और उसके बाद यहीं पर हम कर देंगे इसको फिट, ये ऐसे। तो ये तो क्लियर है कि इसको किस प्रकार से पेपर पे जमाना है। अभी हमने जमा तो लिया, लेकिन यहाँ पर भी एक और सिलाई हमें लगाना है। देखिए, पट्टियों के ऊपर ही अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। अब पट्टियों के ऊपर सिलाई कैसे लगेगा, तो यहाँ पर जितना दूरी तक हम इस पट्टी को दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें उस हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। और यहाँ पर देखिए, ये पिंस वगैरह कर लेने अच्छे से, ताकि ये इधर उधर ना फिसले। और गले पर सबसे पहला सिलाई यहाँ पर लगा दें मजबूती के लिए। पिन करने के बाद यहाँ पर गले पर ही हम एक सिलाई लगाते हैं। और सिलाई लगाने के बाद जो है, यहाँ पर हम एक उरी पट्टी का भी यूज़ करेंगे। तो ये काम हम अभी करते हैं, इस पर एक सिलाई लगाते हैं। और सिलाई लगाने के बाद देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ पर ये जो 1 इंच का दूरी वाला हमने निशान लगा रखा है, यहाँ से देखिए, अगर आपको कंफ्यूज़न हो तो एक बार फिर से 1 इंच नाप लेना यहाँ पर। और इनको अच्छे से जमाते हुए यहाँ पर एक सिलाई हम लगाएंगे। और ये सिलाई आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। पट्टियों के बीच में गैपिंग को एक बराबर रखना है, यहाँ पर पट्टियों को सेट करना होगा। देखिए, ये इस तरीके से हम इसको ऊपर की तरफ सरकाते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी ऊपर की तरफ इन पट्टियों को सरकाते जाना है, ताकि ये एक बराबर सेट हो। तो ये काम आपको करना है, 1 इंच की दूरी से ये सिलाई हमको पूरा लगाना है। बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन बनने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पट्टियों को सेट करने की बात है, तो ये पट्टियाँ एक दूसरे से टकराएंगी ये इस प्रकार से, इससे इसका लुक भी अच्छा आता है। आप जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर की जो पट्टियों के बीच में गैपिंग आता है दोनों कॉर्नर का, दोनों साइड का, तो वो बहुत ही कम गैपिंग आता है। और उस प्रकार से आप भी इसको जमाएंगे। ये देखिए, इस कॉर्नर पे भी यहाँ पे गैपिंग नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये इस तरीके से सेट होंगे। तो ये सिलाई अभी हम करते हैं कम्प्लीट, और उसके बाद देखते हैं पूरी पट्टी लगाने के लिए इस किनारे पर, और पेपर्स को भी हमें अलग करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी हम कटिंग करते हैं सिलाई के बिल्कुल किनारे से, ये पूरा काट करके निकाल देना है। ये पूरे एक्स्ट्रा हैं और वेस्टेज हैं, इनका कोई काम नहीं है, इन्हें काट करके निकालना है।
अब यहाँ पर दूसरे किनारे पर पट्टी लगानी है, तो इसको कर लेते हैं उल्टा, ये इस तरह से उल्टी तरफ से हम पट्टी को फिट करेंगे। ये तरीका मैं आप लोगों को बार बार बताया हूँ, उल्टी तरफ से फिट करना है और उसके बाद सीधी तरफ दो बार पलटा करके इस पट्टी को पूरा बना लेना है, क्योंकि पाइपिंग से बेटर लगता है, पाइपिंग से मोटा आता है और लुक भी इसमें अच्छा आता है। तो इस तरह के डिज़ाइंस में खासकर इन पट्टियों का यूज़ किया जाता है, उरे पट्टी हम इसको बोलते हैं। तो ये करते हैं गले पर पूरा फिट, उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे पलटाने के लिए। तो ये देखिए ये पलटेगा कैसे, ये एक बार इस तरह से मोड़ना है, उसके बाद ये दूसरी बार मोड़ करके पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगानी, इस बात का ध्यान रखें। पाइपिंग में हम क्या करते हैं, पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई लगाते हैं, लेकिन पट्टी में पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगानी है। और ये एक बराबर फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई लगाना है, क्योंकि इसमें जो मोड़ने वाला काम है ये बहुत ही बारीकी का काम है, कम ज़्यादा मोड़ेंगे डिज़ाइन ख़राब दिखेगा, इसलिए बिल्कुल एक बराबर मोड़ें और एक ही लाइन पर सिलाई लगाएं। तो ये सिलाई हम करते हैं पूरा और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। और अब हम आ जाएंगे सुई धागे के यूज़ में, और सुई धागे के इस्तेमाल से इन्हें बांधना है, और बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बांधने के लिए बताऊंगा इस डिज़ाइन को। तो ये इतना करने के बाद, जैसा कि मैंने कहा सुई धागे से इन्हें बांधना है, तो बीचों बीच बांधना है। देखिए किस प्रकार से सुई धागे का यूज़ करेंगे और सेम कलर धागे का यूज़ करना है। जैसे हमने यहाँ पर डिज़ाइन पर येलो कलर का यूज़ किया है, तो आप भी येलो कलर से ही यहाँ पर इसको बांधेंगे। जो कलर आप पट्टी के लिए यूज़ करेंगे उसी कलर से बांधना है। और ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पहले भी मैंने इसको बताया है। यस, इसमें समय तो लगेगा, फिनिशिंग का काम है, ध्यान से करिएगा। बिल्कुल पट्टी के सेंटर से इसको पकड़ना है, एक किनारे से। सबसे पहले तो सुई बीचों बीच निकालनी है, ये देखिए बीच से हमने निकाला, फिर एक किनारे से पकड़े और ये दूसरे किनारे से इसको पकड़ के ये इस प्रकार से बांध लेना है और खींचना है, ये देखिए। और उसके बाद सुई वापस अंदर, फिर कहाँ से निकालेंगे, इस वाले पट्टी में बीचों बीच निकालना है, ये देखिए। अब उसके बाद फिर ये किनारे से पकड़े और उसके बाद ये दूसरे किनारे से इस प्रकार से करके बांधना है, और बांधने के बाद खींच लेना है। तो ये जो आपकी जाली है ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार होगी। और ऐसा अगर कभी फंस जाए तो इसको वापस से खींचना है, देखिए ये इस प्रकार से आप इसको खींचेंगे, अक्सर होगा इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। जब फंस जाता है तो वापस से खींचें, और खींचने के बाद जब ये पूरा जो फंसा हुआ धागा आपका निकल जाएगा, ये देखिए हमने इसको पूरा निकाल लिया, तो अब एक बार आप फिर से इसको खींचेंगे ये ऐसे, तो ये आपका सुधर जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फंस भी जाएगा तो, सभी के साथ फंसता है, हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही होता है, सभी के साथ होता है। तो उसको वापस से खींचें, और उसके बाद ये देखिए एक एक करके आपको पूरा इसको इसी तरीके से बांधना है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा फ्रेंड्स, जब भी हम सुई धागे का यूज़ करते हैं और इस तरीके का डिज़ाइन बनाते हैं तो बेहद ही आकर्षक ये डिज़ाइन बनते हैं। सुई धागे के मैंने और भी पैटर्न बताए हैं, तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी वॉच कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी को बांध लिया है, और इसके बाद जो है हम अंदर से पेपर को निकाल लेंगे। पेपर को निकालने के लिए हम हल्का सा पानी का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हमने पेपर पर पानी लगा लिया है, और उसके बाद ये आसानी से ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बिना पानी के भी निकल जाएगा, लेकिन पानी लगाने से ये आसानी से निकल जाता है। तो इस पर हमने पहले से ही पानी लगा दिया है ताकि ये आसानी से निकल जाए। ये इस तरीके से पेपर को निकाल लेना है, अंदर का भी बिल्कुल आसानी से निकलेगा। ये देखिए इस प्रकार से पूरा इसको निकाल के बाहर कर देना है, और उसके बाद देखते हैं इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुई धागे से एक स्वीट एंड सिंपल डिज़ाइन, आप लोग भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने पूरा इसका ट्यूटोरियल दे दिया है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सुई धागे और उरे पट्टी से मटके गले पर मैंने डिज़ाइन बताया, मटके गले के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे, तो मटके गले पर आप इस प्रकार से बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बना सकते हो। जिन लोगों को ज़्यादा हैवी डिज़ाइंस पसंद नहीं है, उनके लिए यह डिज़ाइन बेहद ही खास है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।